हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑटो ब्लॉग्स। गाइस, आज बात करेंगे महिंद्रा थार की न्यू एसेसरीज के बारे में। महिंद्रा ने अभी हाल ही में थार में न्यू एसेसरीज लॉन्च की हैं। भाई साहब, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एसेसरीज हैं। बाकी आप ना देख सकते हो, कार में आपको रेड एलिमेंट वगैरह देखने को मिल रहा है, ये सब एसेसरीज का पार्ट है। फ्रंट में आपको मल्टीसोनिक फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए हैं। तो भाई, वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली, वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑफ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको मेरी आने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वेरिएंट की। तो ये आप इसका टॉप वेरिएंट देख रहे हो, उससे ऊपर कुछ नहीं आता। LX 4 सीटर हार्ड टॉप डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रहा हूं महिंद्रा थार का। अगर बात कर ली जाए प्राइसिंग की, तो जो महिंद्रा थार के बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 10,98,000 एक्स शोरूम, और टॉप वेरिएंट ये आप देख रहे हो इसका, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 16,93,700 रुपीज ओनली। और बाकी प्राइस मैं लास्ट में भी कंफर्म कर लूंगा वीडियो पे। यहाँ पर आपको टोटल 13 वेरिएंट देखने को मिलते हैं महिंद्रा थार में, टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आप इसका एवरेस्ट व्हाइट कलर देख रहे हो, जो कि सबसे अलग लगता है व्हाइट कलर। वैसे महिंद्रा थार ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन यहाँ पर इसका जो व्हाइट कलर है ये काफ़ी अमेजिंग लगता है देखने में। और इस पर जो ब्लैक कलर के एलिमेंट दे दिए गए हैं, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है बल्की टाइप का। अगर लेंथ की बात करें, 3985 mm की आपको लेंथ मिल जाएगी, 1855 mm की विड्थ मिल जाएगी, 1844 mm की आपको हाइट मिल जाएगी, 2450 mm का आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा। की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ की देखने को मिलेगी महिंद्रा थार की, जो कि पहले भी ऐसी आती थी। दो आपको नॉर्मल की मिल जाएंगी, रिमोट की, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा इन पर। अगर बात की जाए फ्रंट वाले हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। साइड में आपको इसके देख रहे हो ब्लैक कलर की फिनिश दी हुई है। भाई, ये और भी ज़्यादा बल्कि लुक देते हैं कार को। यहाँ पर आपको इसके LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे साइड आपको इसके LED DRL मिल जाते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये इसका एसेसरीज का पार्ट है भाई। फ्रंट में पार्किंग सेंसर इसमें आ गए, पहले नहीं आते थे। मैंने आपको फॉगड़े मिल जाते हैं फ्रंट में दो। यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रिल मिल जाती है, ग्रिल के ऊपर ये आप देख रहे हो जो ब्लैक कलर का ये महिंद्रा जिस पर लिखा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट ही है। बाकी अगर यहाँ पर थार की बात करें, तो यहाँ पर थार लिखा हुआ मिल जाता है इसके बम्फर पर। इसी के साथ में यहाँ पर आपको दो, जैसे मैंने बताया, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और आपको दो फॉगड़े मिल जाते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पर आपको 255/65 R18 की टायर प्रोफाइल मिलती है। 18 इंच के आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं C8 के। और अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क, रियर में ड्रम डिस्क मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट डबल बिस्बॉन फ्रंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है, जिसके साथ में आपको कॉइल ओवर डैम्पर एंड स्टेबलाइजर बार देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको इसके क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है। इसी पर आपको इसका साइड वाला इंडिकेटर मिलता है, ना कि आपको उस पर मिलता है ORGM पर, यहाँ पर मिल जाता है। बाकी क्लैडिंग वगैरह इसकी काफ़ी बड़ी मिलती है आपको, जिससे कार जो है काफ़ी बल्की लगती है देखने में। यहाँ पर ही आप देख रहे हो रेड कलर और ब्लैक कलर की टेपिंग। तो भाई, यही इसके एसेसरीज का पार्ट है। ये महिंद्रा थार में न्यू निकाला गया भाई, बहुत वाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर दो वॉशर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको दो वाइपर्स मिल जाते हैं। ये जो एसेसरीज हैं बाहर से देखने में, जो रेड कलर के एलिमेंट दिए हुए हैं, ये भाई वाइट कलर पे और भी ज़्यादा खिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे ब्यूटीफुल लगते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ इसकी वो मिल जाती है विंडस्क्रीन। यहाँ पर आपको फेंडर पर इसको थार लिखा हुआ मिल जाता है क्रोम पर। तो अगर बात की जाए फुट स्टैप की, तो यहाँ पर आपको फुट स्टैप मिल जाती है भाई, 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है महिंद्रा थार की। तो भाई फुट स्टैप तो देना ही पड़ेगा महिंद्रा को। साइड में आपको यहाँ पर ORGM मिल जाता है। यहाँ पर ये जो थार आपको रेड कलर का मिल रहा है लिखा हुआ, और ये जो बैकग्राउंड पार्ट मिल रहा है, ये आपको एसेसरीज का पार्ट मिलता है। यहाँ पर आपको रेन वाइजर वगैरह मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए, तो यहाँ पर डोर पर आपको ऐसे कुछ ये एसेसरीज का पार्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है। इसी के साथ में रियर में बात करें, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। रियर में आपको मल्टी लिंक सॉलिड रियर एक्सल सस्पेंशन सेटअप मिलता है, जिसके साथ आपको कॉइल ओवर डैम्पर एंड स्टेबलाइजर बार देखने को मिलता है। और आपको वेंटिलेटेड डिस्क नहीं मिलते, नॉर्मल आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। रियर में C8 का टायर मिल जाता है और ऑल ट्रेन टायर मिल जाता है 80। इसी के साथ में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर 4x4 की बैजिंग मिल जाती है, जो कि भाई महिंद्रा थार की सबसे मेन चीज़ है 4x4। और यहाँ पर आपको ये एसेसरीज का पार्ट मिल जाता है। इसी के साथ में आपको महिंद्रा लिखा हुआ मिल जाता है ग्लास पर। हार्ड टॉप वेरिएंट आप इसका देख रहे हो, तो आपको हार्ड टॉप मिलती है। रियर से आप बताओ, रियर से कैसी लग रही भाई? रियर से भाई सब बहुत अच्छी लगती है थार, जितनी फ्रंट से बल्की लगती है उतनी ज़्यादा रियर से, क्योंकि ये जो पीछे इनने अलॉय व्हील लगा दी ना स्पेयर टायर का, ये बहुत ज़्यादा बल्की फील देता है। यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं रियर में महिंद्रा थार में। थार लिखा हुआ मिल जाता है टेल लैंप्स के बीच में। इसी के साथ में अगर बात करें, तो नीचे साइड आपको दो मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर देखेंगे, तो आपको रिवर्स में भी दो मल्टीसोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको स्पेयर टायर मिल जाता है अलॉय व्हील, मतलब कोई भी वो नहीं की महिंद्रा का न्यू सी। यहाँ पर आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है भाई, ऑल ट्रेन टायर मिलता है। यहाँ पर महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है। और भाई, अगर बात की जाए इसका डोर ओपन करते हैं बूट वाला, तो यहाँ पर ये कार 3 डोर मिलती है आपको। 5 डोर महिंद्रा थार अगले साल आने के 2024 में आने के चांस हैं, सुनने में आ रहा है कि भाई ऐसा है। यूट्यूब वगैरह काफ़ी वीडियोस भी आई हैं,
बाकी यहाँ पर देखेंगे वो जब आएगी तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो भाई चैनल से, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा मैं। यहाँ पर अगर बात की जाए रियर में डिफॉगर मिल जाता है रियर वाले ग्लास पर, और ऐसी कुछ रियर से लगती है महिंद्रा थार, ऐसे अपना ग्लास ऊपर होता है भाई। इसको पहले बंद करना फिर ये डोर बंद करना, ऐसा नहीं कि वो फिर पहले तुमने डोर बंद कर दे ऊपर से वो टूट जाएगा ग्लास, इसको कर देते बंद, बहुत महंगा आता है। यहाँ पर अगर बात करें 57 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 57 लीटर तक आप उसमें अपना डीजल भरवा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आपको जो माइलेज मिलता है 10 KMPL का मिल जाता है। सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, अपना ये एक्सेसरीज का पार्ट है, चारों तरफ आपको मिलता है। यहाँ पर आपको एंटीना मिल जाता है, NM Hawk 130 की बैजिंग मिल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप इसका डीजल वेरियंट देख रहे हैं। तो चलिए आप इंटीरियर में देखते हैं, बाहर से मैंने आपको ये जो रेड एलिमेंट वगैरह मिल जाती है ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, आप इंटीरियर में देखते हैं। तो इंटीरियर में यहाँ पर आपको डोर पर भी रेड एलिमेंट देखने को मिलता है, ऑल ब्लैक में डोर मिलता है। भाई डोर में सारी चीज़ें आपको पहले वाली मिलती हैं, बस यहाँ पर ये थार लिखा हुआ है ये पूरा रेड में कर दिया गया, रेड एलिमेंट में मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ऐसे कुछ इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ये मतलब सारी चीज़ें भाई हैं जो महिंद्रा थार में आती थी अभी तक, लेकिन ये जो एसेसरीज में ये रेड कलर का पार्ट है वो दे दिया गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर 1 लीटर वाटर होल्डर मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं इंटीरियर में, देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड वाली सीट की बात करें कि आपको हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिलता है कि नहीं, यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिलता है और आपको मैनुअली रिक्लाइन करने का फंक्शन मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल और एक्सेलेटर पैडल मिलता है, क्लच पैडल नहीं मिलता क्योंकि आप इसका ऑटोमेटिक वर्जन देख रहे हो। तो यहाँ पर बैठते हैं कार के अंदर, भाई यहाँ पर आपको मैनुअली की से स्टार्ट करनी पड़ती कार, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह नहीं दिया हुआ है, टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता, पहले भी नहीं आता था। यहाँ पर थार की आपको स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, इसको करते हैं बंद और देखते हैं इंटीरियर में आपको। यहाँ पर एसी वेंट्स के साइड में भी आपको रेड एलिमेंट मिल जाता है, ये सब आपके एसेसरीज के पार्ट हैं, ये सब दिया हुआ है एक्स्ट्रा। बाकी आपको सारी चीज़ें वही मिलती महिंद्रा थार में। यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, न्यू लोगो मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील की अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देखते हैं, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, बहुत भारी स्टेयरिंग है। जैसे ही आप अनलॉक करते हो वो तो आपका स्टेयरिंग एकदम से नीचे गिरेगा, बहुत भारी है। यहाँ पर आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं फ्रंट में, एक फ्रंट पैसेंजर साइड, एक फ्रंट ड्राइवर साइड। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साइड में आपको आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलते हैं, बीच में आपको एमआईडी डिस्प्ले मिल जाती है। इसी साल में अगर इसको प्रेस करता हूँ एक्सेलेरेटर को तो यहाँ पर ऐसे कुछ अपना आरपीएम मीटर बढ़ता है, और 7000 आरपीएम तक की मार्किंग मिल जाती है, 180 तक की स्पीड मार्किंग मिल जाती है। बीच में आपको एमआईडी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको लाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर अपना देखोगे तो एसी वेंट्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं, एसी वेंट्स के साइड में ये जो रेड कलर का पार्ट है ये आपको एसेसरीज का पार्ट मिलता है, जो अभी न्यू एसेसरीज महिंद्रा ने लॉन्च की जैसे मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है नीचे, एंड यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इसी के साथ में आपको इसके एमआईडी कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ स्टीयरिंग पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एमआईडी कंट्रोल दिए हुए हैं साइड में। इसी के साथ में यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। तो क्रूज कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है हाईवे वगैरह के लिए, अपना आराम से किसी एक स्पीड पे सेट कर लो कार को, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि आता है नेविगेशन सिस्टम के साथ में और ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी के साथ में। 4 स्पीकर्स आपको कार में टोटल मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ में अपना देख सकते हो ऐसा कुछ सिस्टम मिल जाता है। एंड यहाँ पर एसी वेंट्स की बात करें, यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश भी मिलती है, एसी वेंट्स के साइड में यहाँ पर रेड एलिमेंट मिल जाता है, ये भी आपको एसेसरीज का पार्ट मिलता है। जहाँ जहाँ एसेसरीज का पार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मैनुअली एसी मिल जाता है, अपना मैनुअली एसी अपना कंट्रोल कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड 4, 2, 3, 2, 1 ऐसे कुछ यहाँ अपना कंट्रोल कर सकते हो, आपको एसी हवा कहाँ चाहिए। बाकी अपना फेरस एयर वगैरह के लिए बटन दिया हुआ, यहाँ पर हजार लाइट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको टैक्सन कंट्रोल का कंट्रोल दिया, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल का दिया, एंड यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का बटन दिया हुआ है, एंड यहाँ अपना पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का फीचर। और अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है इसके साइड में। तो पहले 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मैंने आपको, हाँ ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको साइड में यूएसबी पोर्ट ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ में अगर गियर की बात करें तो आपको इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, लेकिन आपको मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपकी चॉइस के ऊपर है आप ऑटोमेटिक पसंद करते हो कि मैनुअल। तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अपना अब इसको डाल के दिखाते हैं, मतलब कैसे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर अपना अभी पार्किंग पर है कार, पहले इसका रिवर्स कैमरा भी आपको दिखाते हैं, रिवर्स कैमरा कैसा मिलता है। तो भाई पहले ब्रेक को दबाना पड़ेगा बहुत कस के, तब जाके ये होएगा। हाँ भाई अब हो गया। तो अब यहाँ पर करते हैं इसको गियर, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो आप महिंद्रा थार के गियर्स को। तो यहाँ पर अपना देख सकते हो, मैनुअली भी चला सकते हो। बाकी यहाँ पर इसकी रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी हाँ सही है, जिस हिसाब से भाई कार को बनाया गया जिस चीज़ के लिए उस हिसाब से बहुत सही कैमरा क्वालिटी मिल रही है आपको।
बाकी प्रॉपर ऑफ रोडर है महिंद्रा थार, ये तो शहर में थोड़ा चलने लगी जिससे इसके लुक है, इस वजह से भाई बहुत ही तगड़े लुक है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपको इसका मेन फंक्शन यहाँ पर मिलता है, जो इसका 4x4 वाला फंक्शन मिलता है ये मिलता है यहाँ पर, इसका 4x4 वाला गियर लीवर जो अपना देख सकते हो, यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो इसको, नीचे प्रेस करके फिर डाल सकते हो आप इसको। इसमें आपको 4 हाई 4 लो 2 हाई 2 लो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और भाई कहीं से भी ना कुछ, सबसे हार चुके हो कहीं गाड़ी ना निकले तो 4 लो लगा दो भाई, सबसे बेस्ट है भाई। यहाँ पर अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, नॉर्मल कूल्ड नहीं मिलता, काफ़ी छोटा मिलता है। एंड यहाँ पर आपको ये पकड़ने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की वो मिल जाती है प्लेट वगैरह। एंड यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर आपको रडार सिस्टम मिलता है, जो आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं उसका, यहाँ पर आपको ये एसेसरीज का पार्ट मिल जाता है, वो जो रडार सिस्टम वो भी एसेसरीज का पार्ट ही है। यहाँ पर आपको सनवाइजर मिल जाता है ड्राइवर साइड, एंड वेंटी मीटर आपको डे नाइट जो वेंटी मीटर मिलेगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, सनवाइजर फ्रंट पैसेंजर साइड। बाकी आपको डे नाइट मैनुअल IRVM मिल जाता है। ऊपर साइड आपको हार्ड टॉप देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हार्ड टॉप वाला वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता भाई। और इसमें एसेसरीज आप देख सकते हो कितनी तगड़ी एसेसरीज है, मतलब ऐसा लग रहा है इंटीरियर स्पोर्ट टाइप का, जो रेड एलिमेंट ये दे दिए यहाँ पर, दो आपको पावर विंडो, यहाँ पर आपको मैनुअली हैंड ब्रेक मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये जो मिलता है ये भी आपको एसेसरीज का पार्ट ही मिलता है, ये जो ग्लव आर्मरेस्ट देख रहे हो आप, महिंद्रा थार में ऐसे आर्मरेस्ट आता नहीं है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको दे रहे हैं, एसेसरीज का पार्ट है ये। अब चलते हैं इसकी सीट को, आपको रिवर्स भाई सेकंडों में क्या करेंगे जाके, सेकंड यहाँ से आपको दिखा देते हैं सेकंडों में आपको क्या क्या मिलता है। सीट को आगे कर लेते हैं और यहाँ से दिखा देते हैं आपको कि सेकंडों में फ्रंट में आपको 2 एडजस्टेबल एडजस्ट मिलते हैं, और यहाँ पर सीट बेल्ट सीट्स आप देख सकते हो, ये आपको रेड एलिमेंट के साथ मिलती हैं, रेड सीट कवर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये आप देखोगे ये भी एसेसरीज का पार्ट मिलता है, यहाँ पर 2 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं भाई। ये जो साइड में कंबल आता था ना, जिससे बहुत वैसा फील होता है कि भाई इतनी महंगी कार में बैठे हैं, 10-12 लाख भाई, 18-19 लाख बहुत होता है, तो भाई इतनी महंगी कार में बैठे हैं, ये एसेसरीज में दे दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स हैं भाई, साइड में ये इधर भी है जो मैंने दिखाया अभी एसेसरीज वाला पार्ट, ये इधर भी है उधर साइड भी है भाई, जो कि सबसे बेस्ट है। एंड आपको सेकंड रो में 2 लोगों के बैठने की जगह मिलती है, टोटल 4 सीटर कार रही है, सेकंड रो में आपको 2 एडजस्टेबल एड्रेस मिल जाते हैं। एंड भाई साहब उधर भी है इधर भी है, कंबल वाली फिनिश बिल्कुल आपको मालूम नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि हाँ किसी प्रीमियम कार में बैठे हैं। महिंद्रा ये सब बहुत अच्छे एसेसरीज ला रही है महिंद्रा थार के लिए। एंड सेकंड रो में भी आपको जो सीट्स कवर्स मिलेंगे वो आपको रेड एंड ब्लैक कलर में मिलेंगे, जिससे कि जो इसकी एसेसरीज है वो मैच हों, जैसे रेड एलिमेंट वगैरह एसी वेंट्स वगैरह दिए हैं, इसलिए ऐसे सीट कवर्स भी इन लोगों ने दिए हैं। मतलब स्पोर्टी लग रहा है इंटीरियर पहले से थोड़ा बहुत। अब चलते हैं इसका, देखते हैं इंजन वगैरह आपको कैसा क्या मिलता है। बोनट को ओपन करते हैं यहाँ से, भाई बोनट भी बहुत भारी है यार थार का, अभी देखते उठाते खास से उठा पाते हैं कि नहीं, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं साइड से। और भाई उठ तो जाएगा भाई बहुत, अरे हाँ हाँ भाई उठ गया उठ गया, दो हाथों ताकत लगानी पड़े तब उठा भाई। इसमें इन लोगों को देना चाहिए यार वो वाले सॉकर वाले जो होते हैं साइड में, वो देना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें तो आपको अमेज़न की बैटरी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको पूरा इंसुलेशन वगैरह कुछ नहीं मिलती है, ऐसा ही मिलता, बहुत भारी मिलता है यार। और भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी तो है ग्लोबल एंड महिंद्रा थार की। अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.2 लीटर का एमहॉक 130 इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपका निकाल के देता है 130 BHP एंड 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर निकाल के देता है ये, 130 BHP बहुत है भाई, जब चला के देखोगे तब आपको पता चलेगा, 300 Nm का टॉर्क भी बहुत है। तो भाई यही था महिंद्रा थार के न्यू एसेसरीज वाले वेरिएंट का एक फुल डिटेल रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, 2 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और आपको CES EBD ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। ग्लोबल एंड कैप में इसको 4 स्टार रेटिंग मिली है चाइल्ड सेफ्टी में भी, और आपको एडल सेफ्टी में भी 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो भाई एक बेस्ट कार हो सकती है आपके लिए, बाकी आपकी चॉइस है आपको कौन सी पसंद है। तो भाई यही था वीडियो, यही थी महिंद्रा थार के न्यू एसेसरीज वाले वेरिएंट के फुल डिटेल रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मैं जरूर कर देना, साथ ही माइटो ब्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑफ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको मेरी आने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।